हाय एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन छेमी आलू टमाटर प्याज का सब्जी लाजवाब। चलिए बनाते हैं। तो मैं तेल डाल दी कढ़ाई में एंड फ्राई कर देती हूँ सोयाबीन, यानी सोयाबीन को अच्छे से भूज लेती हूँ रेड होने तक, यानी लाल होने तक इसको अच्छे से भूज लूँगी। और देखिए पूरा तेल इसमें सूख गया है और पूरा मतलब सोयाबीन में तेल सूख गया है, खप गया है, तेल थोड़ा भी नहीं बचा है। और थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई कर देंगे तेज़पत्ता एंड पीला सरसों एंड ये प्याज, प्याज के साथ आलू भी फ्राई कर देंगे साथ में। और अच्छे से इसको पेस्ट कर लेंगे, कुछ देर तक इसको चलाएंगे। तो इसको अच्छे से पेस्ट करके कुछ देर चला के और इसमें अब डाल देते हैं सोयाबीन जो भूज के रखी थी, सोयाबीन भी डाल दी इसमें। और इसको फिर से चलाएंगे, 2 मिनट तक चलाएंगे अच्छे से इसको। और मसाला डालेंगे, तो मसाला में जीरा मरीच, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च एंड धनिया पाउडर थोड़ा बहुत, एंड मैगी मसाला, मीट मसाला एंड सब्जी मसाला, ये सारी चीज़ यानी किचन का सारा मसाला डाल देना है। अब मैं छेमी भी डाल दी हूँ, किचन के सारा मसाला डालना है बट सरसों नहीं डालना है। तो टमाटर भी इसमें ऐड कर दी, टमाटर एक ही डाली हूँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टमाटर लगाएगा सब्जी में तो ओवर हो जाएगा तो सब्जी का टेस्ट अलग हो जाएगा, टेस्टी नहीं लगेगा। तो टमाटर सब्जी ही अनुसार टमाटर ऐड करना है। इसको ढक देती हूँ 5-10 मिनट के लिए, अब इसको निकालती हूँ। 5-10 मिनट हो गया है और सब्जी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, पानी भी सूख गया है, मसाला भी सूख गया है और मसाला पक गया है। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं इसमें, और पानी ऐड ज़्यादा, जितना पानी चाहिए उतना पानी ऐड कर दिए। और उसके बाद डाल देते हैं क्या, धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से बहुत ही सब्जी दिखने में भी अच्छा लगता है एंड खाने में भी अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो इसलिए मैं धनिया पत्ता हर सब्जी में डालती हूँ, बट सब्जी रेडी होने के बाद ही धनिया पत्ते डालिए, तभी टेस्टी लगेगा। ये रहा नमी नमी सब्जी सोयाबीन का, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन। खाइए, बनाइए और कमेंट में बताइए ये सब्जी कैसा लगा। तो मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलती